कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब सऊदी जाना हुआ आसान। 15 दिन क्वारंटीन के साथ बेहतरीन पैकेज, जिसमें आपको दिया जा रहा है दुबई में 4-स्टार होटल या सिग्गा में क्वारंटीन रहने की सुविधा और फ्री वाईफाई, 30 दिन का विजिट वीजा वो भी इंश्योरेंस के साथ, 2 टाइम बेहतरीन खाना और 1 टाइम नाश्ता, दुबई में कोविड-19 टेस्ट की सुविधा, एयरपोर्ट से होटल आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा और फिर क्वारंटीन के बाद दुबई से सऊदी का टिकट। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। हमारा पता है सिराज अहमद, सादुल्लापुर, सुल्तानपुर। फोन नंबर 9935377130। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9069653432190। सात अगस्त 2020 में मुझको 52,550 का बिल मिला। अब वो तो बिल मैंने उसमें 15,001 और 25,001 जमा कर दिया। और उसके बाद 2 दिसंबर 2020 में 7,75,188 रुपए का बिल आ गया। सुना आपने कैसे ये शख्स बिजली विभाग की तरफ से हो रही इतनी बड़ी लापरवाही की तस्दीक कर रहा है। अब इसे विभाग की लापरवाही की इंतहा कहें या फिर काम चोरी, क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बिजली के तारों का मकरजाल तो दिख ही जाता होगा। लेकिन वहीं बात करें कि बिल लेते वक्त किस तरह की गड़बड़ी की जाती है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को समय से बिजली बिल नहीं मिल रहा है, और जब मिल भी रहा है तो अंदाज के आधार पर उन्हें अनाप शनाप बिल थमाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मिशन की खास खबर। बिजली विभाग की लापरवाही का पिटारा इस कदर भर गया है कि अमेठी में जगदीशपुर क्षेत्र के अतिथि स्वीट्स एंड जलपान गृह नामक रेस्टोरेंट के मालिक महेश कुमार की रातों की नींद ही उड़ गई है। जी हाँ, लेकिन बिजली विभाग है जो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना ही नहीं चाह रहा है। आपको कुछ बताया उससे पहले आप खुद महेश से उनके साथ हो रही लापरवाही के बारे में सुनिए। हम इसी से परेशान है, हम सबसे कहते फिर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। यहाँ पर भी किए और वहाँ जो रोड नंबर 4 पर वहाँ पर भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उसमें हम क्या करें, हमारा समझ नहीं आता सारा। अब इसका हम शिकायत जिला अधिकारी से करना चाहते हैं, वहीं पर हम करेंगे। विभाग का कारनामा तो देखिए, उन्होंने महेश के घर 3 महीने बाद जो बिल भेजा उसे देखने के बाद महेश के होश उड़ गए। 3 महीने में उनका बिल 52,000 के बाद 7.5 लाख कैसे हुआ, अभी तक उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। और तो और, विभाग ने उन्हें मीटर बदलने के बाद 3 सीलिंग प्रमाण पत्र भी दे दिए, जिसमें अलग अलग रीजन यानी कि कारण बताकर मीटर बदलने की बात कही गई है। 11/6/2020 को हमारे यहाँ मीटर बदला गया था और उस मीटर की जो सीलिंग है वो 3 बार में हमको मिली। 7 अगस्त 2020 में मुझको 52,550 का बिल मिला। अब वो तो बिल मैंने उसमें 15,001 और 25,001 जमा कर दिया। और उसके बाद 2 दिसंबर 2020 में 7,75,188 रुपए का बिल आ गया। महेश के मुताबिक अभी तक उन्होंने 52,000 का बिल चुकता कर दिया है, लेकिन 7 लाख के बिल को वो कैसे चुकाए हैं वो उसे समझ नहीं आ रहा है। और बात तो ये है कि वो इस बिल को चुकाए हैं क्यों, अचानक से 52,000 के बाद 7.5 लाख का बिल देखकर उनके हाथ पैर फूल गए हैं। अब ये धोखाधड़ी है या फिर विभाग की लापरवाही, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो पीड़ित डीएम से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि उसकी ये परेशानी हल हो सके। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।